हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो अब आप पढ़ चुके हैं कि मैं कौन सी जगह पर हूँ। जी हाँ, मैं हूँ चित्रकूट में इस समय, और ये वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास का सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया था। 11 साल और कुछ महीने लगभग यहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया था। तो हम ना चित्रकूट दोपहर में पहुंच गए थे, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और लंच किया, और उसके बाद हम निकल गए सती अनसुईया जी का मंदिर को देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। शाम हो चुकी थी और सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, सिर्फ सती अनसुईया जी का मंदिर ही था जो उस समय ओपन था। तो हमने सोचा कि अभी इवनिंग के टाइम में हम यहाँ पर चलते हैं और इसको यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। मंदिर के सामने ही आपको दिखेगी ये नदी, और ये मंदिर जो है वो बिल्कुल मंदाकिनी पर्वत है उसके बैक साइड में, उसी के नीचे ये बसा हुआ है, बना हुआ है। और अंदर मैंने, जब मैं अंदर गई ना, तो इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमा, सती सुकन्या, सती सुलोचना, जौहर की ज्वाला, इतनी खूबसूरती से झलकियाँ उसकी जो बनी हुई थी, प्रतिमाएं जो बनी हुई थी, सभी सती जो भी हुई हैं उन सभी की सारी ही प्रतिमा, लीलाएं जो भी ईश्वर की हैं वो सब बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही प्यारी छवि उसमें दिखाई गई है। और ये है माता सती की प्रतिमा जो वहाँ पर मंदिर को समर्पित है। बहुत ही खूबसूरत था, परिसर बहुत सुंदर था। हम दर्शन करके बाहर आए और फिर हम चले गए वापस होटल, और नेक्स्ट डे अब हमें निकलना था रामघाट के लिए। तो अब हम पहुँचे हैं रामघाट, और जैसे ही आप रामघाट पहुँचेंगे वहाँ आपको एक छोटा सा शिव मंदिर दिखेगा जिसमें आपको शिवलिंग मिलेगा, शिव जो पूरा होता है परिवार। तो यहाँ पर हमने पहले जल चढ़ाया, भोले बाबा को नहलाया, और उसके बाद हम आगे चले गए बोट में बैठने के लिए। और यहाँ पर ना आपको बोट में, अगर बोट राइडिंग करनी है, बोट से सारे मंदिर घूमने हैं, तो ना आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। ये लोग ना बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब पहले बोलते हैं कि 1500 लेना है कि 2000 लेना है, ऐसे करके बोलते हैं, और लास्ट में ना हम कम करते 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 हम 500 पे आ गए थे, और हम तीन लोग थे, तो 500 में हम तीनों लोगों ने बोट से ही सारे मंदिर घूमे थे। और अभी हम आ गए हैं, ये देखिए पीछे है ना, ये देख रहे हैं आप, ये है जानकी घाट, और यहीं पर एक खूबसूरत सी प्रतिमा बनी हुई है हनुमान जी की। और यहाँ पर हमने पहले बोट से पहुँचे और बोट से वहाँ पे गए, तो ना वो कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इस वजह से ना मंदिर बंद था, तो इसलिए बोट वाले भैया ने हमें बोला कि अभी वहाँ पे काम चल रहा है तो वो मंदिर बंद है। तो फिर ना हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी वो बंद है तो हम दूसरे मंदिर चलते हैं। तो बीच में फिर हमने सोचा कि सुबह सुबह ये नदी का जो व्यू है उसको एंजॉय किया जाए। और आप ना अगर मॉर्निंग में बोट राइडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ी धूप कम होती है, धूप कम लगेगी आपको। बिना टाइम वेस्ट करे हम पहुँच गए राम जी के दर्शन करने के लिए राम जी के मंदिर, और मैं खड़ी हूँ इस समय राम मंदिर में। तो अंदर चलते हैं और राम मंदिर के दर्शन करते हैं और देखते हैं अंदर से कैसा है। अगर फ़ोन अलाउड हुआ अंदर वीडियो बनाना तो मैं डेफिनेटली बनाऊँगी, ट्राई करूँगी आपको दिखाने का, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए सॉरी। इस परिसर से आगे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो आगे मैंने वीडियो नहीं बनाई है। अब चलते हैं हम दूसरे मंदिर में। तो रामेश्वर मंदिर देखने के बाद अब हम आगे हैं, बिल्कुल साथ में ही है किशोरी जी का मंदिर है जो कि राधा कृष्ण जी का मंदिर है, और उसमें अभी हम चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं कैसा है ये मंदिर। मंदिर है किसी वजह से बंद अभी, तो अंदर नहीं जा सकते हैं हम, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, देखिए छोटा सा एक बगीचा है इधर, और यहाँ से मंदिर की एंट्री है, बट वो बंद है। अब हम जा रहे हैं दोनों ही मंदिर के दर्शन करने के बाद भरत घाट, और ये अभी जो आप देख रहे हैं ये है भरत घाट, जहाँ पर भरत जी स्नान किया करते थे। तो अभी आ गए हैं हम ऊपर, पर्णकुटी मंदिर है जो लक्ष्मण जी ने बनाया था सीता जी के विश्राम के लिए। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर दर्शन करने, और ये देखिए अंदर से मंदिर का परिसर।
अभी कर लेते हैं हम परिक्रमा। और यह है अंदर मंदिर। पर्णकुटी में दर्शन करने के बाद हम आ गए नीचे और हम पहुंच गए तुलसी जी के मंदिर के पास। और जहां से तुलसी जी के मंदिर के लिए सीढ़ियां जाती हैं, रास्ता जाता है, वहीं पर आपको दिखेगी ये खूबसूरत झलकी जिसमें तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं। इस आस में वो रहते थे हमेशा कि एक समय ऐसा आएगा कि जो मैं चंदन घिस रहा हूँ उसी चंदन से मैं भगवान श्री राम का तिलक करूँगा। और वो समय आया भी। जब भगवान श्री राम तुलसी जी के पास आए तो उस समय उनकी आंख लग गई और भगवान श्री राम वहां से तिलक करके चले गए। और ये देखिए, ये वो मंदिर है जहां पर जो तुलसी जी को समर्पित है। रामघाट और उसके आसपास के सभी खूबसूरत और सुंदर मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम आ गए हनुमान धारा पे। और जिसके लिए ना आप चाहें तो सीढ़ियों से जा सकते हैं, लेकिन ना वहाँ काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, लगभग 200 के आसपास वहाँ सीढ़ियाँ हैं। तो क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे तो इसलिए हमने सीढ़ियाँ प्रेफर नहीं की और अब हम इस बग्गी के थ्रू जा रहे हैं। और ना बग्गी को 2-3 मिनट के लिए बीच में रोक दिया गया था, तो आप घबराइएगा मत। वहाँ पर लिखा होता है बग्गी में कि आपको व्यू इंजॉय करने के लिए बग्गी को 2-3 मिनट के लिए स्टॉप किया गया है, तो वहाँ से आप अच्छे से व्यू इन्जॉय कर सकते हैं। और ये जो अभी आप नीचे देख सकते हैं, आपको एक रास्ता दिख रहा होगा, ये वो रास्ता है जो आप पैदल अगर जाना चाहते हैं तो इस रास्ते से जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ना बग्गी के साथ काफ़ी इजी हो जाता है किसी भी जगह पर पहुंचना, क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियां बच्चों के साथ चढ़ना या बुज़ुर्ग के साथ चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही हेल्पफुल रहता है अगर वहाँ पर बग्गी है, ईजी है पहुँचना ऊपर तक। यहाँ यूज़ किया हमने अपना इंस्टा 360 कैमरा ताकि हम जो पूरा व्यू है आपको दिखा सकें, आपके साथ शेयर कर सकें। तो हमने यहाँ से काफ़ी व्यू को इन्जॉय किया और हम बग्गी में बैठ के मस्ती कर रहे थे, तो हमें काफ़ी मज़ा आया। बग्गी से उतरने के बाद ना आपको 15-20 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, जो कि ये आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी। और अब हम पहुँच गए हैं हनुमान धारा पर, ये देख रहे हैं आप। हनुमान धारा में दर्शन करने के बाद हम आ गए प्राचीन भरत मंदिर में जहाँ पर राम भरत मिलाप हुआ था। अब हम आ गए हैं फाइनली दर्शन करने के लिए उस जगह पर जहाँ पर भरत जी अयोध्या ले जाने के लिए राम जी को वापस आए थे मनाने के लिए, और वो जगह जहाँ पर से भरत जी ने राम जी की चरण पादुकाओं को लिया था और वो वहाँ से वापस चले गए थे फिर अयोध्या उनकी चरण पादुका को लेकर। अब हम चलते हैं अंदर। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, मैं इसके नीचे खड़ी हुई थी और यहाँ पर भगवान के भक्त, प्रिय भक्त वानरों ने मुझे प्रसाद दे दिया, मेरे ऊपर कर दिया मूत्र विसर्जन, और जिससे मैं पूरा का पूरा भीग गई थी, बहुत सारा कर दिया था एक साथ, तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। बट मेरे को अभी दर्शन करने थे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने पहले देखा और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। और ये देखिए, एक प्यारी सी झलकी के रूप में दिखाया हुआ है कि किस तरह से भरत जी राम जी के चरण पादुकाओं को लेकर जाते हैं। और याज्ञिक देखिए, वो याज्ञिक को समझ नहीं आ रहा है कि ये रियल हैं या क्या हैं, तो वो बार बार छू कर देख रहा है, वो उठाने की कोशिश कर रहा है। तो अब वहाँ से दर्शन करके हम लोग निकल गए स्फटिक शिला को देखने के लिए। ये है वो स्थान जहाँ माता सीता और प्रभु श्री राम अक्सर बैठा करते थे एक शिला पर, और उस शिला पर भगवान श्री राम और माता सीता के पैरों के निशान आज भी देखे जाते हैं। और इसके पीछे क्या कहानी है, पूरी ही कहानी वहाँ बैठे एक पंडित बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको सुनाते हैं। तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो उस कहानी को ज़रूर सुनकर आइएगा, मैं भी सुनकर आई थी। आपको पता भी होगा कि शायद कि कौवे को एक आँख से कम दिखता है, क्यों कम दिखता है वो आपको इस जगह पर जाने के बाद पता चलेगा कि किस वजह से उसको कम दिखता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक व्यू एक एंजॉय कीजिए, चित्रकूट का ड्रोन व्यू जो हमने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। जल्द मिलूंगी आपसे नई वीडियो में नई जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय।